हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समतास किचन। आज हम बनाएंगे चीज़ी आलू पराठा। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़े चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। हमें इसका ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। हमने अच्छी तरह आटा गूंद लिया है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने तेल गरम कर लिया है। इसमें हम बारीक कटे अदरक, बारीक कटे प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हल्का गोल्डन हो जाए, इसके बाद अब हम इसमें बारीक कटा टमाटर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, बारीक कटे हरे धनिया को डालकर अब हम मसाले को थोड़ी देर पकने देंगे। इसके बाद हम उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू इसमें मिला लेंगे और अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसमें ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम आटे की लोई तोड़ लेंगे और इसे कुछ इस तरह कटोरे जैसा शेप दे देंगे। अब हम इस कैविटी में स्टफिंग भर देंगे और इसे अच्छे से दबाते हुए गोलाकार दे देंगे। अब हम इस पे थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे रोटी की तरह अच्छे से बेल लेंगे। हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना, नहीं तो स्टफिंग सारी बाहर आ जाएगी। हमने पराठे को अच्छी तरह बेल लिया। अब हम इसे तवे पर डालकर सेक लेंगे। जब हमारा पराठा हल्का हल्का सिक जाए, इसके बाद हम इस पर थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह दबाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। हमारा पराठा अब अच्छी तरह दोनों तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह सारे पराठों को अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल अच्छी तरह फूल गया है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और हमारा चीज़ी आलू पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है।